दोस्तों आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दें कि आज के समय में काफी देश तरक्की कर रहे हैं और दुनिया भर में काफी नाम कमा रहे हैं और कुछ ऐसा ही हाल अभी फिलहाल इंडिया का भी है। इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अब नरेंद्र मोदी बन चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी के ही कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो लगभग 2030 तक पूरे भी हो जाएंगे और हमारा भारत टेक्नोलॉजी में नंबर वन देश बन जाएगा। दोस्तों मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर बताओ। प्रोजेक्ट नंबर वन, पॉड टैक्सी। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हमारे पलक झपकते ही काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन आज के समय में भारत में सफर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो भी खासकर शहरों में, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है कि कब 2 घंटे का सफर 5 से 6 घंटों में बदल जाए पता ही नहीं चलता है। मोदी जी ने इसी समस्या को देखते हुए 2022 में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम है पॉड टैक्सी मिशन। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने कुछ ही समय पहले गुरुग्राम में इस टैक्सी की शुरू करने का आदेश दिया था। इस टैक्सी की खास बात यह है कि यह बिना ड्राइवर के हवा में लटकती हुई चलती है, जिस प्रकार जापान में बुलेट ट्रेन चलती है। इंजीनियरों की माने तो यह प्रोजेक्ट लगभग 2029 से 2030 के बीच में पूरा हो जाएगा। नंबर 2, बुलेट ट्रेन। सन 2030 तक हमारे इस देश भारत में बुलेट ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी, जिससे हमें कई दूरी का रास्ता तय करने में काफी कम समय लगेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया के बहुत ही बड़े नेटवर्क में बुलेट ट्रेन ही नजर आने वाली है। इसकी शुरुआत मुंबई अहमदाबाद रूट से होगी और सभी बड़े बड़े राज्यों से होकर गुजरेगी। इस बुलेट ट्रेन की स्पीड लगभग 250 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे तभी से उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारे इस देश हिंदुस्तान में हाई स्पीड वाली ट्रेन चलेगी, इसे बाद में बुलेट ट्रेन का नाम दिया गया। नंबर 3, चेनाब ब्रिज। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज भारत के जम्मू कश्मीर में बनाने की तैयारी चल रही है और यह ब्रिज एफिल टावर से भी बड़ा है। यह ब्रिज चिन्नाब नदी पर बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के ऊपर ट्रेन भी चलेगी, जो काफी खास बात है। इस ब्रिज की ऊंचाई लगभग 359 मीटर है